नमस्कार, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम देखेंगे वाक्य और वाक्य के भेद। सबसे पहले देखेंगे हम वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जब पूरा भाव या विचार प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के उदाहरण देखिए, सुनील पढ़ाई करता है, श्याम ने चित्र बनाया था, दिशा ने रोटी बनाई, नेहा ने पत्र लिखा, राम नई साइकिल खरीदेगा। इन सार्थक शब्दों का पूरा पूरा अर्थ निकलता है, इसीलिए इन्हें वाक्य कहते हैं। वाक्यांश किसे कहते हैं? शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता उसे वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश के उदाहरण देखिए, विलास देख, घर के अंदर, छत पर, छात्र से पढ़ाई, देश के लिए। इन वाक्यों का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए ये वाक्यांश है। अब हम उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं यह देखेंगे। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिनके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य को ही कर्ता भी कहा जाता है। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य यानी कर्ता जो कुछ करता है या कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे गोपाल सज्जन है, इस वाक्य में गोपाल के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसीलिए गोपाल यह उद्देश्य है। और गोपाल इस उद्देश्य या कर्ता के बारे में वह सज्जन है यह कहा जा रहा है, इसीलिए सज्जन यह विधेय है। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, रचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार। रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अर्थ के अनुसार वाक्य के आठ भेद है, विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य। अब हम रचना के अनुसार वाक्य के भेद देखेंगे। रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला भेद है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य कहा जाता है। यहाँ पर एक बात याद रखिए, सरल वाक्य में एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। जैसे राकेश पत्र लिखता है, राजीव पुनः गया, हर्षल ने चित्र देखा, पंछी आसमान में उड़ रहे थे, दुल्हन श्रृंगार करती है। इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसीलिए यह वाक्य सरल वाक्य या साधारण वाक्य है। रचना के अनुसार वाक्य का दूसरा भेद है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य को ही मिश्रित वाक्य कहते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिए, मिश्र वाक्य में एक मुख्य या प्रधान वाक्य होता है और अन्य
आश्रित उपवाक्य होते हैं, जैसे राधा ऐसे नृत्य कर रही है जैसे ऐश्वर्या करती है। शिक्षक चाहते हैं कि छात्र अपने पैरों पर खड़े हो। जो मुझे जानते थे उन्होंने मेरी मदद की। जो उसने खाना खाया वह सो गया। मैंने वह सभी काम कर लिए जो आपने कहे थे। इन वाक्यों में एक सरल वाक्य है और इसके अतिरिक्त एक आश्रित वाक्य है। आश्रित वाक्य सरल वाक्य के अधीन है, मतलब आश्रित वाक्य मुख्य वाक्य के बिना अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए यह वाक्य मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य है। रचना के अनुसार वाक्य का तीसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र होते हुए भी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कौन से हैं? पर, किंतु, और, या, परंतु आदि। यहाँ पर एक बात याद रखिए, संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने से बनते हैं। जैसे शीतल लिख रही है और सानिका पढ़ रही है। घर जाओ पर जल्दी जाओ। संदेश रुपए खर्च करता है किंतु कमाता नहीं। मैं बाजार से केले लाऊंगा या अनार लाऊंगा। यहाँ पहले घने पेड़ थे परंतु अब घर है। इन प्रत्येक वाक्य में दो सरल वाक्य है और यह वाक्य और, पर, किंतु या परंतु इस समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़कर एक वाक्य बना है। इसीलिए यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। अगले वीडियो में हम मिश्र वाक्य के भेद, संयुक्त वाक्य के भेद और अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद देखेंगे। धन्यवाद।